क्या आपने कभी सोचा है कि खाना हमेशा जिंदगी का एक हिस्सा क्यों होता है? खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि अपनों के साथ मिल बैठने और खूबसूरत लम्हे गुजारने का मौका है, जो कल को खूबसूरत यादें बन जाती हैं। हर दावत, हर प्लेट के अंदर एक कहानी होती है, और आज की कहानी शुरू होती है गनी शनवारी के साथ। खाना जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमें अपने रिश्तों के करीब लाता है। हर बाइट के साथ एक नई याद जुड़ जाती है। लेकिन जब बात होती है देसी खानों की, तो बात सिर्फ जायके की नहीं रहती। देसी खाने एक तहजीब है, एक रिवायत है, जो हमें हमारी पहचान से जोड़ता है। जब भी गनी शनवारी आए, अपनी मर्जी का गोश्त बनवाएं, फिर चाहे कढ़ाई बनवाएं या रान रोस्ट करवाएं, या यखनी के दरिया में डूबते हुए रोश से लुत्फ उठाएं, हर चीज़ आपको जायके की अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, गनी शनवारी का एम्बियंस भी अपने आप में एक कहानी है। चाहे फैमिली गैदरिंग हो या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, हर कोने में एक अलग कहानी चल रही होती है। और गनी शनवारी की ये ब्रांच सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि एक महफिल का मैदान है। यहाँ एक ही वक्त में 1000 लोग अपना पसंदीदा खाना इंजॉय कर सकते हैं। और इतनी बड़ी जगह, लेकिन हर कोने में जायका और मेहमान नवाजी का एक अलग अंदाज। और अब वक्त है इस सारी महफिल का मज़ा लेने का। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया इनका पुलाव, इंतहाई मुनासिब मसाले, वेल कुक्ड और टेंडर मीट। और फिर बारी आती है दुम्बा कढ़ाई की, जिसके हर बाइट से पकाने वाले की महारत जाहिर होती है। हर टुकड़ा नरम नरम, जूसी जूसी और बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ। और शनवारी आकर अगर चपली कबाब ट्राई ना किया, तो आप शनवारी आए हैं क्यों? क्रिस्पी क्रिस्पी आउटर लेयर और अंदर से इंतहाई नरम, इसके मसाले, इसका टेक्सचर, हर चीज़ वेल बैलेंस्ड, बहुत आला। और लास्ट में मैंने ट्राई किया चिकन ग्रेनेड, जिस पर दुम्बे की फैट लेयर लगा कर कोयलों पर पकाया जाता है। एंड दैट्स अ गेम चेंजर, चिकन के साथ दुम्बे का टेस्ट बहुत ही यूनिक और मज़ेदार। मस्ट ट्राई गनी शनवारी फॉर प्योर देसी शनवारी टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।